ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सी द सोल दैट लाइज़ विद इन में। और आज परमपिता परमात्मा के हम 30 मार्च के ईश्वरीय वरदान की बात करेंगे। और आज का दिन है 2 मार्च, जो बाकी के दिन रह गए हैं आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, होल्ड योर हॉर्सेस जिसको कहते हैं। और आप वेट करिएगा कि हर दिन आपको सुबह और शाम ये कवर कर दिए जाएंगे सारे वरदान, और जब आपको समय मिले आप उसके अनुसार इन वरदानों को सुन लीजिएगा। तो देखें, परमपिता परमात्मा आज हमें भिन्न भिन्न तरीके से राजयोग मेडिटेशन करने के बारे में सिखाते हैं। तो परमात्मा कहते क्या हैं और हमें स्टेबल कैसे होना है, स्थिरियम बुद्धि कैसे बनना है, वो हम सीखेंगे आज के वरदान में। बाबा कहते हैं, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकांत हो बैठने वाले, स्थितियों के आसन पर एकांत हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। स्व के ऊपर राज करना, हम ज्यादातर दुनिया में औरों के ऊपर राज करना चाहते हैं कि वो मेरे अनुसार चले, वो मेरी बात सुने, ये सिचुएशन मेरे अनुसार चले, ये चीजें मेरे अनुसार काम करें। लेकिन परमात्मा कहते हैं उससे आपके अंदर और फ्रस्ट्रेशन और क्रोध, बहुत अहंकार बढ़ गया है। लेकिन अब समय आ गया है अपने आप को ऑर्डर देना और अपने मन बुद्धि को अपने अनुसार चलाना। तो देखिए बाबा कहते क्या हैं आज विस्तार में। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन हैं। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ। स्वमान दुनियावी अनुसार से अगर देखा जाए, इसको अगर तुलना करी जाए, तो कोई कहता है मैं बहुत अमीर इंसान हूँ, मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ। तो अमीर वो ज्यादातर देखेगा फाइनेंशियल सिचुएशन से अमीर की बात सोची जाती है। लेकिन जब हम ब्रह्म कुमारी से हम कहते हैं कि मैं बहुत ही अमीर आत्मा हूँ, मैं बहुत ही धनवान आत्मा हूँ, तो हम यहाँ पे ज्ञान धन की बात कर रहे हैं। नॉट जस्ट ज्ञान धन, हम यहाँ बोल रहे हैं हम मेरे अंदर गुण हैं, हम गुणों की बात कर रहे हैं। मेरे अंदर धैर्यता है, पवित्रता है, सादगी है, सहनशीलता है, आत्मिकता है, मेरे अंदर रॉयल्टी है, मेरे अंदर ये गुणों के हम धनी हैं, शक्तियों के धनी हैं। हम याद करते हैं, सपोज हम कहते हैं कि मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूँ, धनवान तो हो गए लेकिन शक्तियों से धनवान। अगर हम सिर्फ कहें मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये कहने से नहीं होगा, लेकिन इसके गहराई में जाना। तो हम 8 शक्तियों के बारे में सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी में, कि मेरे अंदर सहन करने की शक्ति है, सिचुएशंस को सामना करने की शक्ति है, मेरे अंदर की कमजोरियों के को सामना करने की शक्ति है, उनको परिवर्तन करने की शक्ति है, मेरे अंदर समाने की शक्ति है। जैसे कैसा भी व्यक्ति आ जाए, मैं हर व्यक्ति के साथ में मैं एडजस्ट कर सकती हूँ आत्मा, मेरे अंदर समाने की शक्ति है, मेरे अंदर परखने की शक्ति है किस आत्मा के साथ में कैसे बात करनी है, किसके साथ में किस सिचुएशन में कैसे कार्य करना है, मेरे अंदर निर्णय करने की शक्ति है, मेरे अंदर सहयोग करने की शक्ति है। चाहे कोई इंसान मुझे पसंद भी ना आए, है ना, उसका संस्कार पसंद ना आए, लेकिन मेरे को फिर भी उसका सहयोग करना है, क्योंकि नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे बढ़ेगी, नहीं तो जॉब आगे कैसे होगा, बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं ये सारी शक्तियाँ आती हैं, लेकिन मैं शक्ति वाली शक्तिशाली आत्मा में शक्तिशाली आत्मा में आई एम अ पावरफुल बींग, आई एम अ पावरफुल बींग, मैं शक्तिशाली हूँ, बोलने सिर्फ सिर्फ नहीं होगा। तो दोनों में अंतर है। तो आध्यात्मिक स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, अफर्मेशंस में और दुनियावी अफर्मेशंस में बहुत अंतर है, जो कि आप सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर के। फिर परमात्मा कहते हैं एक इस तरीके से मेडिटेशन किया करो। सेकंड हो गया, मैं आत्मा फरिश्ता स्थिति में हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मुझे ये फर्श की बातों से, फर्श के नाम मानशान से कोई रिश्ता नहीं। अगर आप सुन रहे हैं काफी समय से, आपको समझ आ गया कि फरिश्ते का अर्थ क्या होता है। पिछले वरदानों में फरिश्ता स्वरूप के बारे में भी बात करी थी, फरिश्ता है क्या एक्चुअली। तो फरिश्ता आत्मा हूँ, तो फरिश्ता समझ करके आपने आधा घंटा एक घंटा आपने मेडिटेशन करी फरिश्ते स्वरूप में, फरिश्ते के भिन्न भिन्न मीनिंग्स हैं, फरिश्ता बन करके सेवाएं कैसे करनी है, फरिश्ते का मतलब क्या होता है, बहुत डीप मेडिटेशन हैं जो कि आप ब्रह्म कुमारी में सीखते हैं। तो हर दिन अगर आप आलू खाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए परमात्मा हमें वेरियस भिन्न भिन्न तरीके से मेडिटेशन करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। परमात्मा फिर कहते हैं माइट हाउस हूँ मैं, लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ। लाइट हाउस क्या होता है, जो कि एक जहाज को दिशा देता है कि यहाँ पे टापू है, अगर आप आगे आओगे ये दिशा, ये लाइट हाउस की तरफ मत आना, क्योंकि आपका जहाज क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा, है ना, वो धरती में धस जाएगा, फंस जाएगा आपका, तो आप इस तरफ मत आना। तो लाइट हाउस क्या करता है, आप इधर मत आना, आप उस डायरेक्शन में जाओ। इसी तरीके से हम आत्माएं भी जब परमात्मा से परम धाम में जाकर के बैठ जाती हैं, जाकर मेडिटेशन में, तो हम वहां से ऊपर से धरती में सारी आत्माओं को हम गाइड कर पाते हैं, उनको हम साकाश भेज पाते हैं, उनको हम वाइब्रेशन, साकाश मतलब वाइब्रेशंस भेज पाते हैं, आकाश के ऊपर रह करके साकाश भेज पाते हैं। तो ये भी एक मेडिटेशन का तरीका है। फिर परमात्मा कहते हैं कभी प्यार स्वरूप
लवलीन स्थिति में, परमात्मा की याद में लवलीन स्थिति में। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये भक्ति है, भक्ति में सिर्फ आप प्यार की स्थिति में होते हैं, लेकिन हम कितने वैरायटी तरीकों से हम मेडिटेशन करते हैं किसी को पता ही नहीं है। तो लवलीन स्थिति में, परमात्मा की लवलीन स्थिति में स्थित हो जाओ, आत्मा का आत्मा से प्यार, परमात्मा से प्यार होगा, तभी वो इंसान जो है धरती पर जितनी भी आत्माएं हमें दिखती हैं, जिनके शरीर दिखते हैं, हम शरीर को छोड़ करके उनकी आत्मा से प्यार कर पाएंगे। अगर हमने परमात्मा से प्यार करना नहीं सीखा जिसका शरीर नहीं है, तो अभी भी हमारा संबंध जितने भी मनुष्य आत्मा है उनके शरीरों से है, शरीर की बातों से संबंध है। किसी से कुछ मिल गया, धन संपत्ति गिफ्ट मिल गया तो हम खुश हो गए, लेकिन हमने उनकी आत्मा से मीठी बातें करके, उनके गुणों को देख करके अभी तक हमने संबंध जोड़ना सीखा नहीं है, जो कि हम स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में, परमपिता परमात्मा से सीखते हैं ब्रह्म कुमारी में। तो ये होगी प्यार की स्थिति में लवलीन स्थिति। जैसे आसन पर एकांत होकर, एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो, वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। ये जितने भी स्थितियां बताएं इसमें अनुभव करें एकाग्र होकर के, बिल्कुल भी। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो। अब ये चीज हम सीखते हैं, देखो ना स्कूल में, ना किसी कॉलेज में, ना किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता कि आप अपने आप से बातें कैसे करो। अच्छा, अपने आप से बातें करें, मैं किस पोर्शन से बात कर रहा हूँ? मैं अपने ब्रेन से बात कर रहा हूँ कि मैं अपने हार्ट से बात कर रहा हूँ? परमात्मा कहते हैं आप आत्मा हो तो आपके दो मन हो गए, एक हो गए चेतन मन, एक हो गए अर्ध चेतन मन। देखें तो बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं, लेकिन ये बेसिक दो हैं। तो मैं कॉन्शियसली आपसे भी बात कर रहा हूँ इस पे, जिस पे यूट्यूब पे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैं अपने आप से बैठ करके मेडिटेशन में बातें करूँ, वो होता है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आप लिख रहे हो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो इंसान। तो हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, ये कहीं सिखाया नहीं जाता, जो कि हम ब्रह्म कुमारी में सीखते हैं कि अपने आप से प्यार से कैसे बातें करनी है। तो परमात्मा कहते हैं जब चाहो तब मन और बुद्धि, सिर्फ मन की बात नहीं हो रही, बुद्धि, बुद्धि में क्या होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि में विवेक होता है, बुद्धि में निर्णय शक्ति होती है, और बुद्धि में दिल होता है। हम सोचते हैं यहाँ दिल है, दिल यहाँ नहीं होता है, आध्यात्म में मैंने ये प्रूव कर दिया कि दिल आपकी बुद्धि में होता है। फीलिंग्स पहले यहाँ आती हैं, फिर वो फीलिंग्स यहाँ महसूस होती हैं शरीर में। आत्मा निकल जाए तो शरीर के बिना आत्मा की फीलिंग्स कहाँ जाएंगी? क्या हार्ट के अंदर रह जाएंगी? नहीं ना, वो तो हार्ट तो जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, तो फीलिंग्स आत्मा के साथ जाती हैं। फिर परमात्मा कहते हैं का अनुभव करो, जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो, ऑर्डर करना आना चाहिए, और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। तो ये स्थिति में स्थित कैसे होना, या ब्रह्म कुमारी इसके 7 डे कोर्स को करके ही सीख सकते हैं। आज का ये श्री वरदान, इसके साथ ओम शांति।